हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूरी दुनिया जहां कोविड को लेकर के एक बहुत बड़ी जंग लग रही है, वहीं भारत और चीन की सीमा पर बढ़ती सेना की तैनाती ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चिंता में ला दिया है। पिछले चार दिनों के घटनाक्रम पर नज़र डालें तो चीन लगातार भारत की सीमा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। जवाब में भारत की तरफ से भी हाल के दिनों में भारत चीन सीमा पर सेना की तैनाती और बढ़ा दी गई है। कल चीन में सेना के एक कार्यक्रम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। इसके बाद पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है कि चीन कहीं एक और दुनिया के और किसी भी ताकतवर देशों के साथ जंग लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। भारत चीन सीमा पर चीन ने जहां लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं, वहीं भारत ने भी अपनी ओर से सेना की कई टुकड़ियां भारत चीन सीमा पर तैनात कर दी है। तिब्बत के सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के रिश्ते लंबे अरसे से समय समय पर गड़बड़ाते रहे और इसी का नतीजा है कि हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच तनाव की खबरें तेजी से आ रही हैं। भारत की ओर से कल जहां प्रधानमंत्री ने अपने तमाम सेना के बड़े आला अधिकारियों, तीनों सेनाओं के प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ लंबी मंत्रणा के बाद भारत चीन सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाने के कई अहम निर्णय लिए हैं। इसके बाद भारत और चीन की सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ने के साथ साथ इन इलाकों में तनाव भी बढ़ता साफ देखा जा रहा है। जागरूक टीवी के लिए मैं नीरज दवे, मुंबई से। जागरूक टीवी की रिपोर्ट।